घणो को तो हमें हैंग तो मोटा है पजे वो इलाज में तो डरो इलाज टाबरो इलाज वास्ते आया हूं पोसंग या बुखार आड़े थे हैंगो घणी हर इंसान है के दिक्कत रे सब कोई बच्चे री परेशानी में वो सब आया मलेरिया है तो एक एक माते बेड में तीन तीन जना है परेशानी तो है ना एक बेड में भी परेशान आदमी तो दिक्कत है ना अरे लगातार हमारी टीम आपको हॉस्पिटल की हकीकत जो है वो बता रही है। आज फिर रात के करीब 9:30 बज चुके हैं और हमारी टीम जो है वो बाड़मेर के सबसे बड़े अस्पताल के मातृ एवं शिशु वार्ड जो है वहाँ पहुँची है। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन द्वारा यहाँ पर शिशु वार्ड के क्या हाल कर रखे हैं वो तस्वीरें जो है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो वार्ड है वो वार्ड नंबर 82 है और यहाँ पर कई बच्चों को जो है एक बेड पर तीन तीन बच्चों को जो है यहाँ शिफ्ट किया गया है, दो बच्चों को शिफ्ट किया गया है। ये हालात देखिए कि यहाँ पर बच्चे जो बीमार होने के बाद अस्पताल आते हैं, हालांकि संक्रमण का जो खतरा रहता है उस खतरे को कम करने के लिए वो लोग यहाँ पर अस्पताल आते हैं। अस्पताल के हालात देखिए, हालात ये हो चुके हैं कि एक बेड पर कहीं दो बच्चे तो कहीं तीन बच्चों को जो है एक साथ शिफ्ट किया गया है। हालांकि यहाँ पर कई नर्सिंग कर्मी भी मौजूद है, कई बच्चों के परिजन जो है वो मौजूद है। हम बात करने की उनसे ये भी कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? देवाराम। देवाराम जी कई हुआ? सरली। अच्छा ये हॉस्पिटल को कर आया था, कभी आया था? सर मारे तो 5 टब्बर है, 500 गया बुखार आ रहे थे घड़ी। अच्छा बरसात मौसम है वो कारण मलेरिया डेंगू वाले? मलेरिया है। अच्छा तो हमें एक थे ले आया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में आया थे की हालत? कल दवाई लेन गया, बुखार कम पड़ गयो, दवाई बंद हो गई, दवाई घणी आवे फिर हमें आज भर्ती की पास। अच्छा आज भर्ती की हो तो थोना बेड वगैरह अलग दियो या कोई कॉटेज वार्ड दियो या वार्ड है में घना जना है तो एक एक माते बेड में तीन तीन जना है थोरा ये एक बेड में तीन जना शिफ्ट किया? तीन जना है। तो ये तो मैं उबन नहीं बहन नहीं थोरा जको तो बड़ा आईडा उमर व्यवस्था की बहन बहन की व्यवस्था व्यवस्था तो मैं होड़ी भाव में तुम के तो हॉस्पिटल सुबह तीन तीन आदमी था एक बेड माते तीन आदमी था ऐसे बे भर्ती हुआ हमें बे आदमी है एक बेड माते परेशानी तो है ना एक बेड माते भी परेशान आदमी तो दिक्कत है ना। अरे तो हॉस्पिटल में कहो कौन के साहब के एक बेड में एक बच्चो होना चाहिए संक्रमण जो है वो फैलेला या बच्चा जो है घना बीमार पड़ेला कहो कौन घणो को तो हमें हैंग तो मोटा है पजे वो इलाज में तो डरो इलाज टाबरो इलाज वास्ते आया हूं और हरे हरे करो ला तो मेरा ही दिक्कत नहीं है ये सब मैं समझो बड़े डर कहन नो थन डर कहन नो भाई टाबर मैं आया ये टाबर इलाज है मैं दिक्कत में आया हर इंसान है इतनी दिक्कत रहे सब कोई बच्चे की परेशानी है वो सब आया जो ठीक है हमें देखो पड़े अगर घणो को ला तो यार मेरे कोई बच्चों का इलाज सही हो जाए मैं सब वही सब हूँ सब भी कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है। देखिए ये लोग ये कह रहे हैं कि जब सुबह आए थे तब एक एक बेड पर तीन तीन बच्चे थे, अब कहीं पर दो बच्चे हैं तो कहीं पर तीन बच्चे अभी भी मौजूद है। हालांकि ये देखिए सबसे कोने का है, यहाँ पर पंखों की यदि स्थिति बताएं तो पंखों की स्थिति ये है कि पंखे चल तो रहे हैं लेकिन गर्मी जो है वो कहीं कम नहीं हो रही है। जब यदि हालांकि कैमरे में वो चीज़ें नज़र आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पर मच्छरों का जो प्रकोप है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। बच्चों को लेकर यहाँ परिजन जो है वो डेंगू और जो मलेरिया फैल रहा है उसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर मच्छरों का जो खतरा है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। सफाई की जो व्यवस्था है यदि उसकी बात करें तो सफाई के नाम पर यहाँ शून्य जो है वो साफ तौर से यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ के बाथरूम जो है वो भी पूरी तरह से जो है क्लीन नहीं है। आंगन है, आंगन के कई कोनों में इस प्रकार से कचरा भरा हुआ है कि यहाँ पर मच्छर जो है वो अभी भी उड़ रहे हैं। इनके परिजनों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो फिर से ऐसी कोई बीमारी का शिकार ना हो जाए जिससे यहाँ पर से अलग जगह कहीं रेफर करना पड़े, लेकिन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन के कानों पर जू तक रेंगती नजर नहीं आ रही है। कैमरा सहयोगी राजेंद्र सिंह शिवकर के साथ भरत जांगिड़, द खटक, बाड़मेर।